नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। इंडियन रेलवे द्वारा बिहार को बहुत जल्द एक नई सौगात मिलने जा रही है। जी हां, हम आपको बता दें कि पटना से बहुत जल्द हाई स्पीड ट्रेन यानी बुलेट ट्रेन का परिचालन किया जाएगा, जिसको लेकर सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है। वहीं रेल मंत्रालय अब जमीन पर परीक्षण का काम करने में लग गई है। बात की जाए ट्रेन रूट की तो यह बुलेट ट्रेन दिल्ली से पटना होते हुए कोलकाता को जाएगी, जहां बिहार में इस ट्रेन का स्टॉपेज गया और बक्सर निर्धारित किया गया है। वहीं इस बुलेट ट्रेन की परिचालन के ट्रैक की बात की जाए तो वह पूरी तरीके से एलिवेटेड होगा, जिसकी दूरी करीबन 719 किलोमीटर लंबी बताई गई है। वहीं एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि बिहार में हाई स्पीड ट्रेन के कॉरिडोर के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। इस एलिवेटेड ट्रैक पे अमूमन 350 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन का परिचालन होगा। साथ ही पटना में इसके लिए एक नया स्टेशन भी तैयार किया जाएगा, जिसको बिहटा या तो पटना एम्स के पास बनाए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही यह ट्रैक वाराणसी से बक्सर एलिवेटेड ट्रैक के जरिए पटना तक आएगी। पटना के बाद बुलेट ट्रेन का अगला स्टॉपेज गया बताया गया है। आपको बता दें कि इस हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के परिचालन के लिए दिल्ली से हावड़ा के बीच दो चरणों में प्रोजेक्ट के काम को करवाने का अनुमति बिहार सरकार द्वारा लिया गया है, जिसमें पहले चरण में दिल्ली से लखनऊ होते हुए वाराणसी तक कुल 813 किलोमीटर का ट्रैक बनाया जाएगा, जो कि अयोध्या भी जाएगी, जिसकी वजह से इसकी दूरी 942 किलोमीटर हो जाएगी। वहीं बात की जाए दूसरे चरण की तो वाराणसी से पटना होते हुए हावड़ा तक इसके ट्रैक को बनाया जाएगा, जो कि 718 किलोमीटर लंबा होगा। यह ट्रैक वाराणसी के रास्ते बक्सर होते हुए अपना पटना आएगी, जिसके बाद गया, आसनसोल, धनबाद, दुर्गापुर होते हुए हावड़ा तक जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।